आप जानते होंगे कि पिछले बार भी जो है हम पानी में गए थे, हमने देखा, उस समय भी सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन उस समय भी सरकार की नींद भी खुली। आप देखिएगा बीजेपी हो जेडीयू हो, अगर पूरा सिस्टम ये देखिए, कुत्ते और बिल्ली की जो लड़ाई होती है उस प्रकार की लड़ाई करना। सुशील मोदी जी चेहरा चमकाते थे, भूख हड़ताल पे थे, आज वो उप मुख्यमंत्री उनको NDRF जो है रेस्क्यू करा रहा है। तो वैसी राजनीति हमने कर दी। और ये लोग कहते थे डबल इंजन का बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिए किस प्रकार का इंजन जो है कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली बना हुआ। तेजस्वी जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा था सरकार की तरफ से, जो तस्वीरें पिछले एक हफ्ते से लोग झेल रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे में जो दावे हैं उसकी कितनी सच्चाई साफ दिखाई दे रही है? देखिए, कई बार जो लोग कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, लोग कह रहे हैं कि ये बाढ़ है, हम ये कहना चाह रहे, शुरू से भी कहें ये जल जमाव है। और ये जल जमाव पटना में हर एक साल हुआ है, लेकिन इस बार जब ऐसा हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार पूरे पटना शहर में पानियाँ भर चुकी हैं, ये पूरा जो है ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप जानते होंगे कि पिछले बार भी जो है हम पानी में गए थे, हमने देखा, उस समय भी सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन उस समय भी सरकार की नींद नहीं खुली। और इस बार जो है, आपको पता होगा, 1.5 महीने पहले नगर आयुक्त कहाँ है, वो नक्शा नहीं है, नगर निगम से लेकर के आपके पट्टा के कमिश्नर कहाँ है, पूरे अधिकारी कहाँ हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी उन्हीं पे थोप रहे हैं कि नगर आयुक्त की गलती है, उनकी बात नगर आयुक्त नहीं मानते हैं। और आश्चर्य है कि जब मंत्री जी का उनके अधिकारी नहीं मानते होंगे तो पानी में डूबे गए। पता है ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर होना कौन सी प्राकृतिक आपदा है? यानी नीतीश कुमार जी को तो सफाई देना पड़ रहा है कि ये जो है प्राकृतिक आपदा है और ये हथिया है, ऐसा शर्मनाक बयान देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इनके अधिकारी कहाँ हैं, कोई विदेश में है और कोई जो है पहले से संन्यास ले चुका है। ये जिन लोगों की जवाबदेही है वो लोग भागे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा बीजेपी हो JDU हो, आपस में अगर पूरा सिस्टम ये देखिए, कुत्ते और बिल्ली की जो लड़ाई होती है उस प्रकार की ये लड़ाई कर रहे हैं, जनता की ये नहीं सुन रहे। और ये लोग कहते थे डबल इंजन का बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिए किस प्रकार का इंजन जो है कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली बना हुआ। अब एक आपको नहीं लगता नगर विकास मंत्री अगर ये कह दे कि जो निचला इलाका है, जो गड्ढे में अगर मकान बनाएंगे आप रहेंगे तो आपको झेलना पड़ेगा, आप आश्चर्य लगता है कि इस तरह का बेतुका बयान एक मंत्री दे सकता है? नहीं, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस तरह का बयान पता नहीं अब वो क्या सोच और समझ करके उन्होंने बोलने का काम किया है। लेकिन आप देखिएगा, ये इनको काम में दिलचस्पी नहीं, इनको लोगों की सेवा नहीं करनी है, काम नहीं करना, बस लूट मचाई है। नीतीश जी से जाके पूछिए, इसीलिए उन्होंने जनादेश का अपमान किया था ताकि हर जगह भ्रष्टाचार कर सके। आप भी मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, आप मानते हैं इस चीज को कि जो सड़कों को लगातार सड़क पे सड़क बनाया जा रहा है, कोर्ट भी इस पे कह रहा है, उसका घर नीचे हो जाते जा रहा है? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस। हम लोग पथ निर्माण में थे तो हम लोगों को ये होता था कि खड़ोच करके रोड फिर बनाओ ताकि लेवलिंग जो है वो बराबर है, ये तो कॉमन सेंस होता है, मंत्री को पता होना। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाइएगा तेजस्वी जी। देखिए, हम हमारी पार्टी के लोग जो हैं, हम लोग जो है चेहरा चमकाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग अंदर ही अंदर बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के सभी लोगों की बैठक भी बुला करके जितना सबसे ज़्यादा राहत की सामग्री हम लोग दे सकते थे हम लोगों ने दिया है और चालू है। लेकिन राज्य सरकार और पटना प्रशासन से जाके पूछिए कि RJD के लिए एक भी नाव उपलब्ध कराया कि नहीं कराया। कुछ भी राहत की चीज़ें अगर लोगों को देने के दिया है कि नहीं दिया। हम लोगों ने अपनी व्यवस्था करा करके सारी चीज़ों को दिखवाने का काम। तेजस्वी जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, अगर हमसे सवाल किए जा रहे हैं कि हम फेल्योर हैं, तो नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? जब ऐसे मौके आते हैं तो वो दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं? आप चेहरा चमकाते नहीं ना है। हम सुशील मोदी जी चेहरा चमकाते थे, भूख हड़ताल पे थे, आज वो उप मुख्यमंत्री उनको NDRF जो है रेस्क्यू करा रहा है। तो वैसी राजनीति हम नहीं करते।